हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अभी तक हम लोगों ने नेटवर्क में पिछली क्लासेस में जो जो पढ़ चुके हैं वो दो टॉपिक पढ़ चुके हैं, दैट इज बेसिक कॉन्सेप्ट्स। आप थोरोली अगर उसे देखेंगे तो बहुत मज़ा आने वाला है आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स में। बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बाद हम लोगों ने क्या देखा कि फंडामेंटल एलिमेंट्स आर, एल और सी, तीनों के बारे में हम लोगों ने डिटेल डिस्क्रिप्शन में देखा, उसका एनर्जी पावर कहाँ कहाँ, उसका फिजिकल अप्लीकेशन है और सब कुछ देखा। अब हम आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ एलिमेंट पे। टाइप्स ऑफ एलिमेंट, ये टॉपिक गेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी यहाँ से छोटे 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 क्वेश्चंस कई बार वन मार्क्स में आने की संभावना है। अब ऐसा तो है नहीं कि आउट ऑफ सिलेबस है, नेटवर्क में सारी चीज़ें, अगर कुछ चीज़ें नहीं भी लिखी है तो बाय डिफॉल्ट इनहेरेंटली उसमें होती है। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या होगा टाइप्स ऑफ एलिमेंट में। पहला है एक्टिव एंड पैसिव, और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए जो अपने यूनिवर्सिटी में एग्जाम्स लिखे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आते हैं क्वेश्चंस वहां से, आ रही बात समझ में। और नेटवर्क के हिसाब से भी बेसिक से आपको पता होना चाहिए। हाँ ठीक है, न्यूमेरिकल यहाँ से बहुत ज़्यादा, क्योंकि गेट एग्जामिनेशन में क्या होता है, प्योर न्यूमेरिकल फोकस होता है, इस वजह से यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते, बट अदर देन गेट एग्जामिनेशन सभी एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन रहता ही है लगभग लगभग। तो ठीक है, आइए देखते हैं। नंबर वन एक्टिव एंड पैसिव, नंबर टू लीनियर एंड नॉन लीनियर, नंबर थ्री बायलेटरल एंड यूनिलेटरल, नंबर फोर टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट, एंड फिफ्थ नंबर लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इसमें से हमको सिर्फ और सिर्फ वन, टू और थ्री नेटवर्क के हिसाब से क्या है, ये तीन ही इंपॉर्टेंट है नेटवर्क पॉइंट ऑफ व्यू से, आ रही बात समझ में। लम्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, जो इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट है वह पावर सिस्टम में भी लम्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर देखेंगे, ठीक है। टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट, अगेन ये सिग्नल सिस्टम में डिटेल वर्जन में पढ़ोगे, वैसे वहां पे लीनियर एंड नॉन लीनियर भी पढ़ोगे सिग्नल सिस्टम में, बट टाइम इनवेरिएंट टाइम वेरिएंट भी वहां पे पढ़ोगे। तो इस वजह से हम लोग नेटवर्क में सिर्फ और सिर्फ मैं थोड़ा थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में बता दूंगा, बाकी डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे। डिटेल में डिस्कशन हम लोग ऊपर के तीन ही करेंगे, एक्टिव पैसिव, लीनियर नॉन लीनियर एंड बायलेटर एंड यूनिलेटर। तो आइए देखते हैं वन बाय वन कि कैसे काम करते हैं ये। सो मैं अभी बाकी सबको रफ कर देता हूं, सिर्फ और सिर्फ एक्टिव एंड पैसिव को लिखता हूं, ठीक है। तो देखो इधर, यहां पे एक्टिव एंड पैसिव, एक्टिव का मतलब क्या है, एक्टिव का मतलब ऐसे एलिमेंट जो सिग्नल को जनरेट करते हो। देखो नॉर्मली अगर आप किसी से या जो लोग पढ़ चुके होंगे अपने यूनिवर्सिटी में, उनको सिर्फ इतना चीजें पता होता है कि एक्टिव वो होते हैं जो एनर्जी जनरेट करते हैं, लाइक वोल्टेज सोर्स, करेंट सोर्स, और पैसिव वो होते हैं जो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, लाइक रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस। बट यहाँ पे कहानी नहीं, यहाँ पे तुमसे अगर इंटरव्यू या कहीं और क्वेश्चन पूछा जाएगा, थोड़ा सा ट्विस्टेड फॉर्म में पूछा जाएगा, ये डेफिनेशन रॉन्ग तो नहीं है बट आधा अधूरा आंसर है इसका। तो देखते हैं पूरा आंसर क्या है, कि एक्टिव एलिमेंट ऐसे एलिमेंट जो सिग्नल जनरेट तो करते हैं, सिग्नल जनरेट करते हैं या फिर एम्प्लीफाई करते हैं, एम्प्लीफाई या फिर रेक्टिफाई, या फिर रेक्टिफाई करते हैं। रेक्टिफाई मीन्स चॉपिंग, सिग्नल्स को कहीं ना कहीं चॉप कर देते, रेक्टिफाई कर देते हैं। तो जनरेट जो ऐसे एलिमेंट जो सिग्नल को जनरेट करते हो, एम्प्लीफाई करते हो, रेक्टिफाई करते हो, वो सभी किस कैटेगरी में आएंगे, एक्टिव की कैटेगरी में आएंगे। अगर ये तीनों नहीं होते हैं तो वो क्या हो जाएगा, पैसिव हो जाएगा। आइए कुछ एग्जांपल्स अगर हम लोग देखें, एक्टिव और पैसिव के एग्जांपल्स अगर देखें, तो एक्टिव और पैसिव, ए फॉर एक्टिव, पी फॉर पैसिव। तो हमारे पास पता है कि पैसिव एलिमेंट कौन कौन से जो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। तो सो फॉर अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ चुके हैं उनमें हमारा एनर्जी एब्जॉर्ब कौन कौन करता है, रेजिस्टेंस एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, इंडक्टेंस एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, कैपेसिटेंस एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। तो तीनों तो क्या क्या है, पैसिव एलिमेंट है, एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। एक्टिव एलिमेंट में अगर देखें हम लोग, तो यहाँ पे जो हमको वेल नोन है, वोल्टेज सोर्स, दूसरा करेंट सोर्स, ये हो गया। उसके बाद भी बहुत सारे हैं, जैसे कि अगर जितने भी सेमीकंडक्टर कंपोनेंट होते हैं हमारे, लाइक डायोड, ट्रांजिस्टर, जितने भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होते हैं, सेमीकंडक्टर, SCR, डायक, ट्राइक, ये सब काई में आ जाएंगे हमारे, एक्सेट्रा कर देता हूँ, ये सब काई में आ जाएंगे, एक्टिव कंपोनेंट में हो जाएंगे। क्यों एक्टिव कंपोनेंट में हो जाएंगे, ओपेम ये भी क्या हो जाएगा, एक्टिव में आ जाएगा,
ऑपरेशनल एम्पलीफायर, क्योंकि ये सब क्या करते हैं, एम्पलीफाइज भी कर सकते हैं, जनरेट भी कर सकते हैं सिग्नल को, ठीक है, और रेक्टिफाई करने की भी, डायोड क्या करता है, रेक्टिफाई करता है, डायोड क्या करता है, रेक्टिफाई करता है, सिग्नल जनरेट भी होते हैं, ओपेम एम्पलीफाई भी करता है। तो ये जितने भी सेमीकंडक्टर आपके कंपोनेंट या जितने भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होते हैं सभी किसी कैटेगरी में आएंगे, एक्टिव कैटेगरी में आएंगे। अब आपसे एक वेल नोन क्वेश्चन होता है कि बताइए कि अगर एम्पलीफाई कर रहा है सिग्नल तो फिर ट्रांसफार्मर किस कैटेगरी में आएगा। ट्रांसफार्मर तो स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों करता है, मतलब वो एक लेवल को, वोल्टेज लेवल को एक वोल्टेज लेवल से दूसरे वोल्टेज लेवल तक क्या करता है, बढ़ाता है, तो एम्पलीफाई करता है। तो कई बार हम बोलते हैं कि ट्रांसफार्मर भी क्या आएगा, एक्टिव कैटेगरी में आएगा। बट याद रहे, रिमेंबर, यहाँ जो सिग्नल एम्पलीफाई या जनरेट या इस तरह से कर रहे हैं दैट इज पावर सिग्नल, आरिबासा जो है ना ही वोल्ट, आरिबासा जो पावर सिग्नल की बात कर रहे हैं। तो ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों साइड में क्या होता है, पावर तो कॉन्स्टेंट है, इस वजह से ये किस कैटेगरी में आएगा, पैसिव कैटेगरी में आएगा, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर ये क्वेश्चंस काफी टाइम पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर एक्टिव है या पैसिव है, तो क्या बोलोगे, ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों साइड क्या है, पावर कांस्टेंट है। अभी आप इलेक्ट्रिकल मशीन में पढ़ोगे कि प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो, ट्रांसफार्मर के पावर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, इस वजह से उसको किस कैटेगरी में डाला हम लोगों ने, पैसिव कैटेगरी में डाला है। तो ठीक है, तो यहां से एक्टिव और पैसिव हमारा इस तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग सेकेंड कैटेगरी पे, दैट इज लीनियर एंड नॉन लीनियर। आई बात समझ में। अब देखो इधर, लीनियर किसे बोलेंगे, ऐसे एलिमेंट जो कि लॉ ऑफ सुपरपोजिशन या होमोजेनिटी, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन या फिर होमोजेनिटी, 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 लॉ ऑफ सुपरपोजिशन एंड होमोजेनिटी, सुपरपोजिशन को फॉलो करते हैं, ऐसे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, हमारे लीनियर एलिमेंट हो जाएंगे, आरी बात समझ में, अदरवाइज वो क्या हो जाएंगे, नॉन लीनियर। इसी को होमोजीनियस या सुपरपोजिशन से हम लोग चेक नहीं करेंगे, ये आप कहाँ करोगे, सिग्नल एंड सिस्टम में अच्छे से चेक करोगे कि होमोजेनिटी या होमोजीनियस प्रिंसिपल या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कैसे हम लोग इसमें प्रोसीजर वाइज कैसे फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ होमोजीनियस एंड सुपरपोजिशन। अभी हम लोग नेटवर्क पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करेंगे, जस्ट ग्राफिकल अप्रोच के साथ हम क्या बोल सकते हैं, एक और डेफिनेशन बोलेंगे। ये तो हो गया स्टैंडर्ड डेफिनेशन कि जो होमोजेनिटी या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है वो क्या हो जाते हैं, ऐसे एलिमेंट हमारे लीनियर एलिमेंट हो जाते हैं। बट यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अगर ग्राफिकल मैनर में देखें तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए और कहां से पासिंग थ्रू होना चाहिए, ओरिजिन से, कहां से, ओरिजिन से पास करे, ऐसे एलिमेंट क्या कहलाएंगे, लीनियर एलिमेंट कहलाएंगे। तो बता दो जल्दी से कौन कौन से लीनियर एलिमेंट है, अगर मैं करेंट और वोल्टेज का कैरेक्टरिस्टिक्स बनाऊं दैट इज रेजिस्टेंस, आरी बात समझ में, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा, लीनियर हो जाएगा। वैसे इसको कंडक्टेंस बोलते हैं 1/r को, आगे बताएंगे ड्यूअलिटी में 1/r को कंडक्टेंस बोलते हैं, अभी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ रेजिस्टेंस को v/i के बीच में बना सकते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, लीनियर हो जाएगा, दैट इज लीनियर। और क्या पढ़ रखा अभी तक हम लोगों ने, ग्राफिकल अप्रोच से देखें तो हमने और किसका ग्राफ पढ़ रखा है, q इज प्रपोर्शनल टू v, तो q इक्वल टू क्या हो गया था, CV हो गया था, तो Q और V के बीच में क्या हो गया, कैपेसिटर, तो कैपेसिटेंस भी क्या हो गया हमारा, लीनियर हो गया, दैट इज लीनियर। और क्या पढ़ा हम लोगों ने, इंडक्टेंस का ग्राफ भी पढ़ा है, इंडक्टेंस का ग्राफ कैसे हो जाएगा कि इंडक्टेंस V इक्वल टू di/dt, तो इसके बीच में V इक्वल टू L di/dt, दैट इज इंडक्टेंस, ये भी क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। तो हमारे नेटवर्क के हिसाब से हम क्या डेफिनेशन बोल सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, दैट टाइप ऑफ एलिमेंट आर कॉल्ड लीनियर एलिमेंट, अदरवाइज वो काई में हो जाएंगे, नॉन लीनियर कैटेगरी में आ जाएंगे। तो ये तो सिंपल ग्राफ हो गए, आप बोलोगे सर आपने तो सिंपल सिंपल बता दिया, थोड़ा से और ग्राफ बताइए। तो हम लोग देखते हैं अलग अलग कंपोनेंट के, जैसे डायोड का कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने VI कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखे तो वो भी बना सकते हैं। तो ऐसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम लोग देखें तो उनके ग्राफ से भी हम पता कर सकते हैं कि लीनियर है या नॉन लीनियर है। तो आइए देखते हैं, तो ये रहा हमारा डायोड का कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखे, VI कैरेक्टरिस्टिक्स बनाए तो क्या हो जाएगा, इस तरीके से कुछ जाएगा, तो ये क्या हो गया हमारा, नॉन लीनियर।
नॉन लीनियर, क्योंकि स्ट्रेट लाइन नहीं है, नॉन लीनियर दिख रहा है हमें। तो ये क्या, ये किसका है, डायोड का है, तो डायोड का ही में आ जाएगा, नॉन लीनियर में आ जाएगा। अब ऐसे ही अगर मैं एस सी आर की बात करूं, ऐसे ही मैं किसकी बात करूं, एस सी आर की, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, याद रखे है ना, या आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ोगे, अभी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लीजिए, बाकी बहुत ज़्यादा अभी हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे इसका। तो ये कुछ इस तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ठीक है, दैट इज एस सी आर, ठीक है। और अगर हम लोग डायक का कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, तो डायक ये भी हमारा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, तो अगर डायक का देखें तो ये इस तरीके से ऐसा होता है और इस तरीके से होता है, आरिवासन में, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक। आप चिंता नहीं करिए कैरेक्टरिस्टिक कैसे बना रहे हैं, आप जैसे जैसे डिवाइसेस पढ़े जाओगे, एक एक पढ़ते जाओगे, तो आपको पता चलते जाएगा कैसे कैसे डिवाइसेस हैं। तो ये सब का किस कैटेगरी के, नॉन लीनियर कैटेगरी के हैं सारे के सारे, नॉन लीनियर, एनएल 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 नॉन लीनियर, ठीक है। तो आपको नेटवर्क में बहुत ज़्यादा हेडेक नहीं लेना है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन दैट आर कॉल्ड लीनियर एलिमेंट्स, अदरवाइज नॉन लीनियर एलिमेंट्स, अदरवाइज आपके पास होमोजेनिटी और सुपरपोजिशन रहेगा, वो डिटेल में आप सिग्नल एंड सिस्टम में देखेंगे। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग यूनिलेटरल एंड बायलेटरल एलिमेंट पे, थर्ड नंबर है यूनिलेटरल एंड बायलेटरल, ठीक है। एक देखो, एक सिंपल सी चीज है, यूनि मीन्स क्या होता है, वन, यूनि मीन्स वन, और बाय मीन्स टू, टी डब्ल्यू टू, अरिभाषण में सारा खेल यही कही है, यूनि एंड बाय। सपोज कर एक सर्क्यूट लेते हैं हम लोग, किस एक रेजिस्टेंस है, और उस रेजिस्टेंस को अगर मैं एक बैटरी सप्लाई दे देता हूँ, वोल्टेज V, क्या दे देता हूँ, वोल्टेज V प्लस एंड माइनस, और यहाँ से करंट चले जा रहा है I, दैट इज रेजिस्टेंस R, आर बस आ रही बात समझ में। तो अगर इसका कैरेक्टरिस्टिक्स बनाए हम लोग, तो कैसे बनेगा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरीके से बन जाएगा, जैसे जैसे हम लोग वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो हमारा क्या होता जाएगा, उसके रिस्पेक्ट में करंट बढ़ते जाएगा, और रेजिस्टेंस करंट के सामने कौन सा रेजिस्टेंस है, आर, आ रही बात समझ में। अब मैं क्या करता हूं, थोड़ी देर के लिए इस बैटरी को क्या कर देता हूं, रिवर्स कर देता हूं, इस बैटरी को क्या कर देता हूं मैं, रिवर्स कर देता हूं। तो अगर मैं माइनस इस साइड कर दूं, प्लस इस साइड कर दूं, तो ये है रेजिस्टेंस, अब माइनस और प्लस और करंट दोनों रिवर्स कर दिया, मतलब थोड़ी देर के लिए अगर मैं बोलूं कि ये पॉजिटिव थे, अगर सपोज करो ये करंट है या वोल्टेज है इस तरीके से है, तो ये पॉजिटिव था पहले, पॉजिटिव वोल्टेज या करंट, इस डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव, इस बैटरी के सिंबल को पॉजिटिव मान लिया था, इस वाले डायरेक्शन को क्या बोल दिया था, पॉजिटिव करंट बोल दिया था, तब उसके रेफरेंस में अब वोल्टेज क्या हो गया, नेगेटिव, करंट भी क्या हो गया, नेगेटिव फ्लो हुआ, बट क्या रेजिस्टेंस को असर पड़ा क्या, नहीं। तो हम क्या बोलेंगे कि दोनों तरफ के डायरेक्शन ऑफ करंट में अगर सेम इम्पीडेंस ऑफर हो रहा है, तो अगर इसमें इसका कैरेक्टरिस्टिक्स बनाऊं, तो ये थोड़ा सा इस तरह सा चले जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स इस वाले, तो फर्स्ट अपोजिट क्वाड्रेंट में कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका मतलब अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें, तो हम क्या बोल सकते हैं कि बोथ द डायरेक्शन ऑफ करंट में अगर सेम इम्पीडेंस ऑफर हो रहा है, सेम रेजिस्टेंस या सेम इम्पीडेंस ऑफर हो रहा है, दैट एलिमेंट इज कॉल्ड बाई डायरेक्शनल एलिमेंट, क्या बोलेंगे, दैट एलिमेंट इज कॉल्ड बाई डायरेक्शनल एलिमेंट, अदरवाइज यूनिडायरेक्शनल। तो आप देखो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, तो बार बार क्या हम लोग चेक करते रहेंगे, हो सकता है कई बार हमें पता नहीं चले, तो हम क्या बोलेंगे कि अपोजिट क्वाड्रेंट, अभी यहां कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में सेम है, थर्ड क्वाड्रेंट कैरेक्टरिस्टिक्स सेम। तो आप कैसे चेक करोगे, फर्स्ट और थर्ड अपोजिट क्वाड्रेंट, कुछ भी अपोजिट हो सकता है, बट यहां क्या है, अभी फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट अगर सेम है, कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जैक्टली सेम है, तो क्या बोल देंगे हम लोग, बायलेटरल, अदरवाइज क्या बोल देंगे, यूनिलेटरल। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा हमारा, कि अगर मैं बायलेटरल की बात करूं, तो बताइए अभी मुझे आंसर दीजिए कि ये सपोज करो मैं बना देता हूं Q और V, कैपेसिटेंस, ये क्या है हमारा, बायलेटरल, अगेन बायलेटरल है। अगर मैं इंडक्टेंस बनाऊं, तो वो भी क्या आ जाएगा हमारा, बायलेटरल आ जाएगा। अब डायोड अगर बनाएं, डायोड, दैट इज डायोड, डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स, ये क्या आ जाएगा हमारा, यूनिलेटरल आ जाएगा, यूनिलेटरल, डायोड क्या हो जाएगा, यूनिलेटरल। एस सी आर बनाओ, तो भी क्या हो जाएगा, अभी कैरेक्टरिस्टिक्स बनाया अभी थोड़ी देर पहले, एस सी आर देखोगे तो क्या हो जाएगा, एस सी आर
वो भी हमारा यूनिलेटरल हो जाएगा। बट डायक देखो आप, डायक को ध्यान से देखना, डायक का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, अपोजिट क्वाड्रेंट में सेम है, इस वजह से डायक डायक किस में आ जाएगा, ये हमारा बायलेटरल में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे यूनिलेटरल एंड बायलेटरल को हम लोग समझ सकते हैं कि अपोजिट क्वाड्रेंट में अगर सेम कैरेक्टरिस्टिक्स शो हो, एग्जैक्टली सेम कैरेक्टरिस्टिक्स शो हो, तो क्या हो जाएगा, बायलेटरल, अदरवाइज यूनिलेटरल। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नंबर फोर्थ पे। तो ये तीन इंपॉर्टेंट हम तीन जो डिस्कशन की हम लोगों ने शुरू के, एक्टिव एंड पैसिव, लीनियर एंड नॉन लीनियर, यूनिटर एंड बायलेटरल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। बाकी के दो मैं थोड़ा सा ब्रीफ में समझा देता हूँ, बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। टाइम वेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट तो आप डिटेल डिस्कशन आप कंट्रोल सिस्टम या सिग्नल सिस्टम में करोगे ही करोगे, और लम्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड आप पावर सिस्टम में देखोगे। फिर भी मैं एक छोटे लेवल में बता देता हूँ, एक ब्रीफ डिस्कशन, ताकि जब वो सब्जेक्ट पढ़ो तो आपको ऐसा नहीं लगे कि नया नया सुने हो। ठीक है, तो फोर्थ नंबर देख लेते हैं हम लोग, दैट इज टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट। सपोज करो आप मार्केट से एक फैन परचेस करके लाए, है ना, सीलिंग फैन एक परचेस करके लाए, और उसका स्पीड क्या है, सुबह मॉर्निंग में आपने देखा, मॉर्निंग में देखा कि उसका कितने 500 आरपीएम रिवॉल्यूशन पर आरपीएम रिवॉल्यूशन पर मिनट 500 आरपीएम से घूम रहा है। ठीक है, आपने जब इवनिंग में देखा, इवनिंग में सप्लाई या फिर कहीं और कुछ भी चेंजेस नहीं किया, बट इवनिंग में देखा तो इवनिंग में वो कितना आ रहा है, 300 RPM ही आ रहा है। सेम सप्लाई या सेम जितने कॉन्फ़िगरेशन आपने मॉर्निंग में रखे थे, उतने कॉन्फ़िगरेशन आप इवनिंग में रखते हो और RPM चेंज हो जाता है। इसका मतलब क्या हो रहा है, टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है इसका बिहेवियर। तो ये ऐसे ऐसे कंपोनेंट क्या हो जाएंगे आपके, टाइम वेरिएंट, टाइम के साथ क्या हो रहे हैं, वेरी कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये टाइम इनवेरिएंट। बट हमें ऐसे सिस्टम क्या चाहिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में, नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, टाइम के साथ जो वेरी नहीं हो। हाँ, स्लाइट वेरिएशन आपके सप्लाई तरफ से या कुछ चेंजेस होता है तो ठीक है, फिर चेंजेस चलेगा, बट स्लाइट वेरिएशन को अगर नेग्लेक्ट कर दे तो लार्ज वेरिएशन नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कंपोनेंट या ऐसे एलिमेंट जो टाइम के साथ वेरी नहीं हो, दैट आर कॉल्ड टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। इसीलिए जब भी कंट्रोल सिस्टम आप पढ़ते हो, तो कंट्रोल सिस्टम का पूरे सब्जेक्ट का नाम क्या है, कॉजल, 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 एंटी कॉजल, नॉन कॉजल, ये आप बाद में पढ़ोगे। लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, LTI सिस्टम का नाम सुना होगा, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, क्योंकि सिस्टम हमारा जो भी एनालाइज करे, जिसको भी हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं, वो क्या होना चाहिए, इट शुड बी लीनियर। लीनियर मीन्स आउटपुट फॉलोज द इनपुट, और क्या होना चाहिए, टाइम के साथ वेरी नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप कंट्रोल कैसे करोगे। सपोज करो आपके रूम में AC है, उसका टेम्परेचर एक सेंसर है, तो अगर वो बार बार बिहेवियर चेंज करेगा AC, तो सेंसर किस चीज़ को ध्यान में रखेगा, आ रही बात समझ में। तो टाइम के साथ इनवेरिएंट होना चाहिए आपका पूरा सिस्टम, तो लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, इसीलिए हम लोग LTI सिस्टम पढ़ते हैं। ठीक है, बाकी आप डिटेल वर्जन सिग्नल एंड सिस्टम में देखोगे। नेक्स्ट आता है लम्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर मैं ऐसा बनाऊं, एक वोल्टेज सोर्स बनाया V मैंने, और यहां पे रेजिस्टेंस का सिंबल दे दिया R, और इस तरीके से मैंने टूट लगा के कुछ इस सर्किट बनाया, तो क्या इसका मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ यही है, क्या यहाँ इस पॉइंट पर रेजिस्टेंस नहीं है, क्या इस पॉइंट पर रेजिस्टेंस नहीं है, क्या इस पॉइंट पर रेजिस्टेंस नहीं है, क्या इस पॉइंट पर नहीं है, सिर्फ यही रेजिस्टेंस आ रहा है क्या, आरिबासन में ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकल सिस्टम में हर एक पॉइंट पर क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, हर एक पॉइंट पर क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। तो इसका मतलब ये हम लोगों ने क्या कर दिया, हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन के तहत हमने क्या कर दिया, एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट मैनर में रेजिस्टेंस को बोल दिया कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, आ रही बात समझ में। तो ऐसे ऐसी सिचुएशन जहाँ पे रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस को हम लोग सेपरेट नहीं कर पाते हैं, उन्हें हम लोग एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेट मैनर में एज्यूम कर लेते हैं, ऐसे एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं हम लोग, लम्ड एलिमेंट्स बोलते हैं या लम्ड पैरामीटर्स बोलते हैं। और ऐसे एलिमेंट जो कि हर एक पॉइंट पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, हर एक पॉइंट पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, हर एक पॉइंट पे अज्यूम कर सकते हैं पर मीटर लेंथ में कितना कितना रजिस्टर होगा, हर एक पॉइंट पर रजिस्टेंस को अलग अलग पर मीटर में कर सकते हैं, ऐसे एलिमेंट्स क्या होंगे हमारे, डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। तो आप अभी के लिए कंक्लूड कर देता हूं, क्या याद रखिएगा कि जहां पे RLC का सेपरेशन पॉसिबल नहीं हो, या हम लोग
जहां पे हम लोग कॉन्सेंट्रेट मैनर में रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस को डिनोट कर सकते हैं, वो क्या होंगे, सारे के सारे लम्ब्ड होंगे। और जहां पे हम लोग हर एक लेंथ के हर एक मीटर पे अगर पैरामीटर्स मानते हैं तो वो क्या हो जाएंगे, हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स हो जाएंगे। ठीक है गाइस, तो ये रहे आपके 5 पैरामीटर्स। आपको लम्ब्ड पूरे नेटवर्क एनालिसिस में, नेटवर्क थ्योरी में आपको सिर्फ और सिर्फ लम्ब्ड से ही डील करना है, क्योंकि हम लोगों को क्या करना है, नेटवर्क इज द स्पेशल कोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। तो हमको सिर्फ लम्ब्ड पैरामीटर्स को ही देखना है और एक जगह कॉन्सेंट्रेट मैनर में RLC को लेना है पूरे सर्क्यूट में, हर एक पॉइंट पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो इस तरीके से आपके टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स में ये 5 पॉइंट खत्म होते हैं। हम लोग क्या करेंगे, 1, 2, 3 लीनियर, नॉन लीनियर, पैसिव एक्टिव और यूनिलेटर बायलेटरल पे कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। आइए वो न्यूमेरिकल कैसे है। तो आपके स्क्रीन पर ये 6 न्यूमेरिकल लिखे हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। यहाँ पे हमको चेक करना है इन 6 न्यूमेरिकल्स में कि शुरू के 3 ही चेक करेंगे हम लोग, एक्टिव है या पैसिव है, लीनियर है नॉन लीनियर है, या फिर यूनिलैटरल है या बायलैटरल है। अब देखो वन बाय वन में आता हूँ, कैसे एक करके बता देता हूँ, बाकी फिर आप ट्राई करते रहिएगा और बाकी मैं यहाँ करके भी दिखाऊंगा सारे। ये जो कर्व है, ये स्लोप, स्लोप क्या है, पॉजिटिव है या निगेटिव है, पॉजिटिव स्लोप है। स्लोप क्या है, स्लोप पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब अगर वोल्टेज भी पॉजिटिव, करंट भी पॉजिटिव। कल मैंने एक चीज बताई थी आपको कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था हमारा, सपोज कर एग्जांपल ऑफ रेजिस्टेंस ले ले R, प्लस और माइनस, और करंट I एंटर कर रहा है, तो वोल्टेज भी पॉजिटिव, करंट भी पॉजिटिव, तो पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इसका मतलब कि VI कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर पॉजिटिव स्लोप है, इट मींस पावर क्या है, पॉजिटिव। और ये क्या सिंबल कर रहा है, इट एब्जॉर्ब द एनर्जी। क्या हो रहा है, ये किसको सिंबलाइज कर रहा है, पॉजिटिव स्लोप, एब्जॉर्प्शन को, एब्जॉर्ब द एनर्जी। इसका मतलब जो पॉजिटिव स्लोप है, कभी भी ग्राफ में जो पॉजिटिव स्लोप है वो क्या कहलाएंगे, आपके एब्जॉर्ब कर रहे एनर्जी, और वो इस किस कैटेगरी में आ जाएंगे, आपके पैसिव की कैटेगरी में आ जाएंगे, पैसिव कैटेगरी में। आ रही बात समझ में? तो आपको आज से नई चीज पता चली है कि जब भी किसी कर्व का स्लोप पॉजिटिव हो तो वो क्या कहलाएगा, हमारा पैसिव एलिमेंट। क्योंकि लॉजिक मैंने बता दिया आपको कि पॉजिटिव मतलब वोल्टेज और करंट क्या है, पॉजिटिव है, सिर्फ वोल्टेज करंट में होगा ये, तो वोल्टेज करंट पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, वो एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी, तो इस वजह से क्या है, पैसिव। लीनियर नॉन लीनियर आप तुरंत बता देंगे, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन तो क्या हो जाएगा, दैट इज लीनियर। बायलेटरल यूनिलेटरल दोनों क्वाड्रेंट में क्या है, सेम है, इस वजह से क्या हो जाएगा, बायलेटरल हो जाएगा। आ रही बात समझ में? सेकेंड न्यूमेरिकल देखते हैं, स्लोप कौन सा है, पॉजिटिव स्लोप, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारा पैसिव एलिमेंट। लीनियर नॉन लीनियर नहीं, स्ट्रेट लाइन नहीं है, यहां तक ही स्ट्रेट लाइन है, उसके बाद क्या हो गया, फ्लैटेंड है, इस वजह से क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर। ठीक है, यूनिलैटरल बायलैटरल डिफरेंट है, दोनों अपोजिट क्वाड्रेंट में डिफरेंट है, तो क्या हो जाएगा, ये यूनिलैटरल। आ रही बात समझ में? क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, ये क्या हो जाएगा, एक्टिव पैसिव, वापस से क्या आ जाए, पॉजिटिव स्लोप, इट मींस एब्जॉर्ब द एनर्जी, तो क्या हो जाएगा, पैसिव। आ रही बात समझ में? लीनियर नॉन लीनियर, स्ट्रेट लाइन है क्या, नहीं, वापस फ्लैटेंड है, तो क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर। यूनिलैटरल बायलैटरल दोनों क्वाड्रेंट में देखना, कई बार ये देखना भूल जाते हैं स्टूडेंट्स, इनको भी देखना कि एम्पलीट्यूड सेम है भी कि नहीं, तो यहाँ पे 5, -5, 6 और 6 पे ही जाके फ्लैटेंड हो रहा है, चेंज कहाँ हो रहा है, स्लोप 6 पे ही जाके दोनों साइड में, इस वजह से क्या है, जैसा इस क्वाड्रेंट में वेवफॉर्म दिख रहा है एज इट इज, अपोजिट क्वाड्रेंट में इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये बायलैटरल, बायलैटरल। नेक्स्ट देखते हैं, यहां पे स्लोप क्या आ गया, निगेटिव स्लोप आ गया। निगेटिव स्लोप का मतलब क्या है, निगेटिव स्लोप का मतलब क्या है, सप्लाई कर रहा है एनर्जी, क्या हो रहा है, डिलीवर कर रहा है एनर्जी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये किस कैटेगरी में आ जाएगा, एक्टिव कैटेगरी में। लीनियर, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो क्या हो जाएगा, लीनियर। दोनों अपोजिट क्वाड्रेंट में क्या है, सेम है, इट मींस क्या हो जाएगा, ये बायलैटरल हो जाएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 5। अब यहां पे कंफ्यूजन आ जाता है कि इस साइड में कौन सा स्लोप है, पॉजिटिव स्लोप, इस साइड में क्या है, निगेटिव स्लोप। तो ऐसे चीज जहां पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो तब कंफ्यूजन है कि एक्टिव है या पैसिव है। चलो एक्टिव पैसिव को हम डिस्कस करते हैं क्या होना चाहिए। अच्छा, लीनियर नॉन लीनियर तो आप बड़े आराम से आइडेंटिफाई कर लेंगे,
क्या है, स्ट्रेट लाइन है क्या? नहीं, स्ट्रेट लाइन सिर्फ यहीं तक है, उसके बाद क्या हो रहा है, स्लोप चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, नॉन लीनियर है। दो दो तो मैं कंफर्म बोल देता हूं कि नॉन लीनियर है इसमें, और यूनिलैटरल बायलैटरल अपोजिट क्वाड्रेंट नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये यूनिलैटरल है। तो दो चीज तो मैंने आइडेंटिफाई कर ली, नॉन लीनियर और यूनिलैटरल। अब थर्ड, एक्टिव है या पैसिव है। थोड़ी देर के लिए मैं एग्जांपल लेता हूं कि अगर कोई वोल्टेज सोर्स है, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स अगर है, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, तो उसके साथ में कुछ रेजिस्टेंस भी आएगा कि नहीं, उसके साथ में कुछ रेजिस्टेंस भी आएगा कि नहीं। तो यहां पे क्या हुआ, ये रेजिस्टेंस छोटा सा पार्ट है, भले छोटे अमाउंट में, बट ये क्या करता है, अब्सॉर्ब करता है एनर्जी। इसका मतलब पॉजिटिव, और वोल्टेज सोर्स क्या है हमारा, एक्टिव एलिमेंट, तो एक्टिव एलिमेंट शोज दी निगेटिव स्लोप। तो निगेटिव एक्टिव के साथ में एक पैसिव एलिमेंट हो सकता है, बट क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि एक पैसिव एलिमेंट डोमिनेंस में हो और उसके साथ में कोई एक्टिव कंपोनेंट है? नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी कभी आपके पास दोनों स्लोप्स की कैटेगरी है, जहां पे पैसिव भी शो हो रहा है और एक्टिव भी शो हो रहा है, पॉजिटिव स्लोप और नेगेटिव स्लोप दोनों आ रहे हैं, तो आप किसको रेफरेंस देंगे? ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल करके दिखाया, ऐसे बहुत सारी चीजों में हो सकता है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जब भी पैसिव एलिमेंट डज नॉट कंटेन निगेटिव स्लोप इन ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स, आ रही बात समझ में, कि पैसिव एलिमेंट में कभी भी निगेटिव स्लोप नहीं होगा, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, एक्टिव एलिमेंट, आ रही बात समझ में। तो जब भी कभी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आ जाए तो क्या बोल दोगे, दैट इज एक्टिव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार गलतियां होती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। 6 में आप सिर्फ और सिर्फ चेक करिए, इसका ग्राफ अगर प्लॉट कर ले तो काम हो जाएगा कि नहीं। अगर मैं वोल्टेज और इसका ग्राफ प्लॉट करूं तो ये कैसे बनेगा, इनिशियली कैपेसिटेंस का है एक्सप्रेशन, तो इनिशियली 3 वोल्ट है, तो इनिशियली मैंने बनाया, तो इनिशियली मतलब t इक्वल टू 0 टाइम के पहले कितना है, 3 वोल्ट है v, ठीक है v, और उसके बाद क्या हो रहा है, कर्व लीनियर जा रहा है, कर्व क्या हो रहा है, लीनियर हो रहा है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगा इसका, नॉन लीनियर। तो हम क्या बोलेंगे कि इनिशियली चार्ज कैपेसिटर, और सिमिलरली क्या बोल सकते हैं, इनिशियल चार्ज इंडक्टर किस कैटेगरी में आएंगे, ये हमारे नॉन लीनियर कैटेगरी में आएंगे। आ रही बात समझ में, तो यहां से एक स्टेटमेंट ड्रॉ कर लेगा, इनिशियली चार्ज कैपेसिटर या इनिशियल चार्ज इंडक्टर क्या कहलाएंगे, नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स, ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर। एक्टिव पैसिव अगेन ये क्या बोलेंगे हम लोग, ये किसका है, कैपेसिटेंस का है, तो कैपेसिटर है तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज पैसिव एलिमेंट। आ रही बात समझ में, यूनिलैटरल बायलैटरल दैट इज यूनिलैटरल, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग 3 चीजों में लीनियर नॉन लीनियर एक्टिव पैसिव और यूनिलैटरल बायलैटरल आइडेंटिफाई कर सकते हैं ग्राफ के थ्रू। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। ये गेट में बहुत ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट इनडायरेक्टली हो सकता है 1 नंबर में आ जाए, 2 नंबर के में कभी नहीं आएगा, और अपार्ट फ्रॉम गेट एग्जामिनेशन सभी एग्जाम्स के लिए ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है गाइस। तो हम लोग नेक्स्ट, ये हमारा टाइप्स ऑफ एलिमेंट खत्म हो गया, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ सोर्सेस।